गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एंड वी आर वाचिंग आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों ने इंडाइसेस के बारे में ओवरऑल जानकारी ली हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करके मुझे दिखाए हैं और आप लोगों के आंसर करेक्ट भी हैं। तो इंडाइसेस रिलेटेड हम लोगों ने जो जानकारी ली है, कुछ फॉर्मूले हमने देखे जिसमें आप लोगों को स्क्वायर क्यूब की तरह कैलकुलेट करना होता है, ये आप लोगों को पता है। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में चर्चा भी की हुई है। जैसे आप लोगों को पता होगा बेटा कि सबसे बॉटम में जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 3^5 = 3, मतलब 3 को 5 बार लिखना, मतलब इसको 3 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना, तो 3^5 = 3×3×3×3×3। अगर इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाए तो आप लोग का आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 243 आएगा। ठीक है, अब इसी को अलग तरीके से अगर रीड करना है तो हम लोग किस तरह से रीड कर सकते बेटा, यहाँ पे रीड एज 5th power of 3। देखिए ध्यान से देखिए इसको किस तरह से और अलग तरीके से रीड किया जा सकता है। 5th power of 3 is 243, इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई बेटा पावर वन, पावर इन द सेंस जिसमें रेस्ट पावर हम लोगों ने अपॉन वाला साइन अभी तक देखा हुआ नहीं है, कि जो नंबर दिया गया है बस उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को इसमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। और इसको किस तरह से रीड करना है ये भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, 5th power of 3। ठीक है, उसी तरह से स्क्वायर ऑफ ए, इसके पहले भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। स्क्वायर ऑफ ए मतलब ए का स्क्वायर, ए को ऊपर के भाग में 2 इस तरह से लिखना, जिसको हम लोग स्क्वायर ऑफ ए कहेंगे बेटा, = a×a, यानी कि a की जगह पे कोई भी संख्या दी गई हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ ए कहेंगे, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहेंगे। अब हम लोग क्यूब ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे बेटा। ये क्यूब ऑफ ए जो चीज आप लोग को यहाँ पे दी गई है, तो क्यूब ऑफ ए = a^3, मतलब ए का क्यूब यानी कि ए के ऊपरी जगह पर 3 ये संख्या साइड में लिखना, यानी कि ए का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, a×a×a, यानी कि a की जगह पे मैंने कोई भी संख्या ले ली है तो उसको 3 बार गुणा करना, यानी कि उस संख्या का क्यूब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होंगी कि किसी भी पावर, जो भी पावर आपको दिया गया हो, उस वो संख्या जो पावर यहाँ पे दिया गया हो उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि उसका पावर होता है। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 3 क्यूब होगा तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये वाली और ये क्यूब रूट वाली, मतलब आज हम लोग रूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसको हम लोग कहेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब रूट ही नहीं, बाकी के और अन्य रूट भी हम लोग आज अपने वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप लोग देख पा रहे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है √25 = मैंने यहाँ पे 25^1/2 इस तरह से लिखा हुआ है। इन दोनों को इज रीड एज √25, हम लोग इस तरह से रीड कर सकते हैं। मतलब ये दोनों संख्या जो आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों संख्या है सेम थिंग है, मतलब ये दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, √25 = 25^1/2, वो दोनों एक जैसी संख्या है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं और दोनों को हम लोग सेम पढ़ेंगे √25। अगर इसको कैलकुलेट किया तो आपको इसका आंसर मिलेगा बेटा 5। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग को 5² = 5×5 होगा = हम लोग 25 कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम लोग √25 में इस तरह से भी लिख सकते हैं और जिसका आंसर आप लोग को कैलकुलेट करके मिलेगा = 5। ठीक है, यही चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा के बताई है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर पता होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, उसी तरह से अभी हम लोग चलेंगे क्यूब रूट की तरफ। ये देखिए यहाँ पे जो आप लोग को दी गई संख्या है √64 = 64^1/3, जो चीज मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसकी तरफ आप लोग को ध्यान देना है। देखिए √64 ये जो चिन्ह है ये रूट का चिन्ह है। ठीक है, क्यूब, ये 3 को मैंने क्यूब पढ़ा हुआ है, क्यूब √64 = 64^1/3,
इसी को हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं, इज रीड एज क्यूब रूट ऑफ 64। और यदि इसको हमने कैलकुलेट किया क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 आया है। इसको कैसे पढ़ना है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 इसको पढ़ना है और इज इक्वल टू आपको यहाँ पे जो 4 आंसर मिल रहा है ये कैसे कैलकुलेट किया, देखिए क्यूब रूट ऑफ बी इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ बी और बी रेज पावर 1/3, यानी फॉर एग्जांपल 4 का क्यूब अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू क्या रहता है 64। ये दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आपका आंसर 64 आएगा। इसी को अन्य तरीके से मतलब अंडर रूट ऑफ 64 अगर लिखना है तो 64 raised to power 1/3 इज इक्वल टू 4 आंसर आप लोग का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और उसी का क्यूब रूट होता है बेटा वही नंबर जो कि हमने शुरुआत में लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब पहले तो क्यूब निकालेंगे वो संख्या का और जो संख्या मिलेगी हम लोग को क्यूब निकालने के बाद 64 उसी का क्यूब रूट वो पहली वाली संख्या होती है। ये बात समझ में आ रही बेटा आप लोग को, तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट जो हमारा चैप्टर का नाम है जो वही हम लोग आज यहाँ पे हमारे वीडियो में देख रहे हैं उसके बारे में आप लोग को पूरी अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है बेटा। इसी को पढ़ने के लिए आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 उसका क्यूब रूट और उसके नीचे आने वाली संख्या को हम लोग पढ़ सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखिए इसी यही चिन्ह के आधार पर आप लोग को बाकी के प्रॉब्लम भी यहाँ पे समझा के बताए गए हैं, 3, 4, 5 ये नंबर, ये तीन प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें देखने वाले हैं और इन तीन प्रॉब्लम्स के आधार पर ही हम लोग को प्रैक्टिस सेट 3.1 जो दिया है उसको सॉल्व करना बेटा। देखिए 128 raised to power 1/7 ऐसी मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो 128 raised to power 1/7 इज इक्वल टू 7th root of 128। इसको कैसे पढ़ सकते हैं ध्यान दीजिए, 7th root of 128, ये 128 raised to power 1/7 को कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, 7th root of 128। मान लीजिए कि अगर आप लोग को ये संख्या नहीं दी गई और क्वेश्चन में दिया गया 7th root of 128, तो इसको अगले बार कैसे लिखेंगे, जिसको जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था 128 raised to power 1/7, मतलब ये गणित नंबर से वर्ड लिखने के लिए भी बोल सकता है, या वर्ड दिया गया वर्डिंग दिया गया हो या सेंटेंस दिया गया हो उसको आप लोग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये दोनों अल्टरनेट है बेटा, मतलब इसी को इस तरह से पढ़ सकते हैं या पढ़ा हुआ आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3.1 में पूछी गई है, इसी पैटर्न में आप लोग को लिखनी है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 243 raised to power 1/5, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 5th root of 243, बहुत आसान है। ठीक है, उसी तरह 900 raised to power 1/12 इज इक्वल टू क्या कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 12th root of 900, 5th root of 243, 7th root of 128। देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसी तरह यदि ये नंबर आप लोग को दिए गए हैं, इन संख्याओं के आप लोग को नंबर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, 5th root of 243 क्या होगा बेटा, 243 raised to power 1/5। और उसी तरह से 900 का एग्जांपल हम लोग लिखने हैं, 12th root of 900 कैसे लिखेंगे, 900 raised to power 1/12। ठीक है, बस यही संख्या हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। ये देखिए 128 का कैसे लिखेंगे, 128 raised to power 1/7। इसी को 7th root of 128 भी कह सकते हैं और इसी को लिखते समय 128 raised to power 1/7 हम लोग को इस तरह से लिखना है। तो अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स लेट्स हैव मूव टुवर्ड प्रैक्टिस सेट 3.1, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1 वी आर स्टार्टिंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स फॉर्म। मतलब आप लोग को यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं उनको आप लोग को इनके इंडेक्स फॉर्म में लिखना है बेटा। ये देखिए 1st, 2nd, 3rd और 4th, ये गणित मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, इनके आंसर हम लोग को अभी लिखने हुए हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, बहुत आसान है आप लोग को
समझ में आ जाएंगे। और फिर आप लोग को मैंने इसके नीचे वाले 5 और 6 के दो प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए हैं, ये आप लोग को मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं अपनी कॉपी में लिखकर। इसके साथ ही आप लोगों ने ये 4 प्रॉब्लम भी लिखे हुए होने चाहिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करना है। उसी तरह मैंने सेकंड प्रॉब्लम भी लिखा हुआ है, राइट इन द फॉर्म एंड रूट ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आप लोग को ये प्रॉब्लम नंबर साइड में दिए हुए हैं, इनके आंसर आप लोग को वर्ड में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, और होमवर्क में आप लोग को 5th नंबर और 6th नंबर के दो प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके बताने हैं मुझे ये सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। देखिए जैसे मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि 5th root of 13 हम लोग को कैसे लिखना है, तो आंसर में आप लोग को सबसे पहले नंबर लिख लेना बेटा 13, 13 का 5th root यानी कि 1/5 हो गया आंसर, है ना, कितना आसान है। वैसे ही 6 root of 9 यानी कि सबसे पहले आप लोग को नंबर लिखना है 9 और उसका 6th root क्या होगा बेटा 1/6 हो गया आंसर। थर्ड square root of 256 तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 256 और इसका स्क्वायर रूट यानी कि क्या लिखना होगा बेटा हम लोग को सिर्फ 1/2 हो गया आंसर। अब आखिरी में 4th नंबर cube root of 17 कैसे लिखना हम लोग को, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 1/7 और क्यूब रूट यानी कि क्या होगा 1/3 तो ये हो गया आंसर। इसके आधार पर आप लोग 8th root of 100 ये 5th नंबर का एग्जांपल आप लोग को होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। और 6th नंबर का प्रॉब्लम है 7th root of 30 ये भी होमवर्क है, इसको भी आप लोग को इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a मतलब ये आप लोग को इस फॉर्म में लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दिए हुए नंबर को ये पैटर्न में आप लोग को लिखना है। जैसे कि आप लोग को इसको पढ़ने के लिए मैंने बताया था 81 raised to power 1/4 इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और इसी को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 4th root of 81 बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि इसको डायरेक्टली ये नंबर से आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 4th root of 81। वैसे ही 49 raised to power 1/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर 2 को हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखिए 15 raised to power 1/5 इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय हम लोग को ये पैटर्न में लिखना है, इसलिए 5 क्या है इसका 1/5 इसका पावर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 5th root of 15 बहुत आसान है। और 4th नंबर लास्ट एग्जांपल है जो कि इसके बाद आने वाले ये 5 और 6 नंबर के प्रॉब्लम हम लोग को होमवर्क रहेंगे, इसका 5/2 का पावर है 1/9 ओके। तो 9th हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 9th root of 5/2 ठीक है। तो इस तरह से ये 4 प्रॉब्लम मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया है, इसके आधार पर आप लोग को ये 5th नंबर का और 6th नंबर का प्रॉब्लम जो है वो होमवर्क रहेगा, दैट इज 100 raised to power 1/19 और 6 raised to power 1/7। तो इस पैटर्न में जो दिए गए हैं रूट ऑफ नंबर के पैटर्न में आप लोग को इन दो एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताना है। इसके साथ आप लोग को ये सभी प्रॉब्लम्स करके एक साथ मुझे फोटो लेकर व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करिए। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके सामने वाला पोर्शन जरूर पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर स्टूडेंट, बाय।